चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम क्यों माना जा रहा है, आइए जानते हैं। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे। राजनाथ सिंह मॉस्को में 24 जून को होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। ये परेड रूस की जर्मनी पर जीत के 75वें साल के मौके पर हो रही है। इस परेड में भारतीय सेना का एक दस्ता भी हिस्सा ले रहा है, जो पहले ही मॉस्को रवाना हो चुका है। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर 20 जवानों की शहादत के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने आर्मी को खुली छूट देने के फैसले लिए हैं, उसे देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से पहले राजनाथ सिंह ने कल ही सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। इस तनाव के बीच ही भारतीय वायुसेना ने रूस से 12 नए सुखोई और 21 नए MiG-29 फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ये डील 5,000 करोड़ की होगी। इस दौरान वहां चीनी नेता भी मौजूद रहेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह इन शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।